यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार सुबह कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर युद्धरत रूस और यूक्रेन को शांति का संदेश दिया। रूस की यात्रा के ठीक 6 सप्ताह बाद यूक्रेन पहुंचे मोदी ने वैश्विक समुदाय को संदेश दिया कि भारत 2 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ नहीं है, भारत हमेशा शांति के साथ रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान भी मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया ताकि युद्ध को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके। एथेंस से आप बड़ी भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी बड़ी भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है और आप बड़ी भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं और वो भारत का कमिटमेंट है और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। कुछ समय पहले समर्थन में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने हाथ से हाथ मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया में मुलाकात के लिए गया था, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है, समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी आज हम जब रूबरू मिल रहे हैं तब मैं यूक्रेन की धरती पर और आप जब मैं बच्चों की शहादत को उस जगह को देखकर आया और मेरा मन भरा हुआ है तब मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा एक मित्र के रूप में।